हेलो फूडी पीपल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग सीखेंगे कि आप कैसे बड़ी आसानी से अपने घर पर रहकर चिकन बिरयानी बना सकते हैं। तो बिना कोई बकवास चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है, उसमें सरसों के तेल को बड़े अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपको बारीक कटे हुए प्याज को उसमें डाल देना है। उसके बाद हम बारीक कटे हुए प्याज को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद दोस्तों, हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। दोस्तों, चिकन मैरिनेट करने के लिए आप चिकन में दही, हल्दी और मिर्ची पाउडर डाल के उसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में पहले से ही रख दीजिएगा। फिर हम उस चिकन को निकालेंगे और प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन को अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि हमारा चिकन पूरी तरीके से पक नहीं जाता है। तो चलिए, आइए पहले मैरिनेट किए हुए चिकन को अदरक लहसुन और प्याज के पेस्ट में डाल देते हैं। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, चलाएंगे चिकन को, ताकि हमारा जो चिकन है वो मसालों को अच्छे से सोख ले। दोस्तों, बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा, ताकि जो हमारा चिकन है वो जल ना जाए। दोस्तों, तो देख सकते हैं हमारा चिकन रेडी है। तो इसमें थोड़े मसाले डाल देते हैं, जैसे कि नमक, धनिया पाउडर। और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल देते हैं। फिर इन मसालों को हम चिकन के साथ अच्छे से पकाएंगे। कुछ इस तरीके से चला देते हैं, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है चिकन करी बनाने का। चलिए, हम इसे एक बॉईल दे देते हैं। तो दोस्तों, हमारा चिकन ग्रेवी पक चुका है। तो चलिए, आइए हम लोग चावल पका लेते हैं। चावल पकाने के लिए दोस्तों, आप सभी को एक बर्तन लेना है। बर्तन में सरसों तेल डालना है, उसमें तड़के के लिए आप दालचीनी, तेजपत्ता, बड़ी इलायची और जीरा का यूज़ कर सकते हैं। फिर एक बर्तन की मदद से हम उसमें पानी डाल देंगे और पानी को अच्छे से एक बॉयल आने देंगे, ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे से बॉईल आ जाए और हमारा चावल जल्दी से पक जाए। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देते हैं। फिर इसे हम ढक देंगे, ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे से बॉईल आ जाए। तो बॉईल यहाँ पे हो चुका है हमारा पानी दोस्तों, तड़के के साथ। तो इसमें हम चावल को ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, चावल ऐड करने से पहले आपको चावल को अच्छे से धो लेना है, ताकि चावल में जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए। तो चलिए, हम लोग चावल ऐड कर लेते हैं। चावल ऐड करने के बाद दोस्तों, हम चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो चावल है वो कच्चा ना रह जाए, सारे चावल अच्छे से पक जाए। तो चावल मिला लेने के बाद दोस्तों, हम इसे ढक देंगे और इसे
पकने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो चावल है वो पक चुका है। तो चलिए आइए हम लोग इसे आग पे से उतार लेते हैं। दोस्तों आग पे से उतारने के बाद हम इसमें से थोड़े से चावल को एक बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसमें चिकन ग्रेवी को ऐड करेंगे जो कि हमने पहले ही पका लिया है। तो चलिए आइए हम चिकन ग्रेवी को ऐड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो नीचे थोड़ा सा चावल बचा है उसको हम अच्छे से फैला लेंगे। फिर उसमें हम चिकन ग्रेवी जो है हमारी उसको अच्छे से ऐड कर देंगे। तो जो हमने चावल निकाला था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे, फिर चावल को अच्छे से फैला देंगे। तो दोस्तों हमने चावल को अच्छे से फैला लिया बर्तन में। फिर उसके बाद हम बिरयानी कलर डालेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे चिकन बिरयानी कलर डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों हम इसे ढक के फिर से आग पे चढ़ा देंगे ताकि थोड़ा सा और पक जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी बिरयानी रेडी है। तो चलिए आइए इसे अच्छे से मिला लेते हैं ताकि जो हमारा बिरयानी का कलर है वो अच्छे से बिरयानी में मिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों क्या अच्छा कलर निखर के आ रहा है बिरयानी का। दोस्तों हमारी बिरयानी रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं।